मैं अभी यहाँ पे हलतकरी में हूँ। एक रोड का ऑलरेडी ये पहले इसका उद्घाटन किया था मैं, इससे पहले 2.5 करोड़ रुपीज़ इसको सेंक्शन करवाया था, लेकिन कुछ डिमोलिशन की वजह से, कुछ ऑब्जेक्शन आने की वजह से रोड का काम एक साल भर से पेंडिंग हो गया था। फिर से इसको 2 करोड़ रुपये दे के फिर से स्टार्ट किए हैं। इसका मेन बहुत से लोग इसको ऑब्जेक्शन करके, मगर ये रोड वन ऑफ द बेस्ट रोड बनी गई यहाँ पे, क्योंकि ये डबल रोड आ रही है। पहले सिंगल डाले थे, फिर उसको कैंसिल करके फिर डबल रोड बनाए, और ये अच्छी क्वालिटी की रोड बनाना बोल के। हालांकि इसका बजट 1 करोड़ ने तो 1.5 करोड़ में हो जाता था, मगर 50 लाख रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि अच्छा सा रोड बनाने के लिए। ये पूजा हो गया, आज राम के साथ रहीम भी आए हमारे साथ, दोनों का मिलके आज पूजा हो गया सो यहाँ पे। और सभी लोगों को, हमारे एमएलए साहब और एमएलए साहब को हम जितना हम जाके उठाए सो, आप कोई भी है कि नहीं काउंसलरों में, मैं ऐसा हूँ शायद बेडरूम तक भी जाके साहब जरा उठो जो बोले थे, हाँ धनराज क्या बोलो थे, तो इतना हम प्रेशर में लिए तो भी उन्होंने हमारे को ईजी लेके, धनराज तुम टेंशन न कर लो बोल गए। यही 8 महीने में अगर उन्होंने दिया बोलो तो एक ही जबान पे 2 करोड़ रुपये दिए मेरे को अभी। विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैक्यपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववंद्याय मंगलम शिव विश्वैक्यपालाय मंगलम चरवंद्यवंद्याय मंगलम वरचरणे त्रिबोधाय मंगलम सर्वं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगिन्धारं वेदवसंतम हृदयारविंदे भोम भवानी चैतन्यमामे कर्पूरदीपं निराजामे यज्ञनैग्नमयजुन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवं जय मंगलं जय नमो पार्वतीपतेश्वर महादेव। सभी को आदाब, मैं अभी यहाँ पे हलतकरी में हूँ। एक रोड का ऑलरेडी ये पहले इसका उद्घाटन किया था मैं, इससे पहले 2.5 करोड़ रुपीज़ इसको सेंक्शन करवाया था, लेकिन कुछ डिमोलिशन की वजह से, कुछ ऑब्जेक्शन आने की वजह से रोड का काम एक साल भर से पेंडिंग हो गया था। फिर से इसको 2 करोड़ रुपये दे के फिर से स्टार्ट किए हैं। इसका मेन बहुत से लोग इसको ऑब्जेक्शन करके, मगर ये रोड वन ऑफ द बेस्ट रोड बनी गई यहाँ पे, क्योंकि ये डबल रोड आ रही है।
पहले सिंगल डाले थे, फिर उसको कैंसिल करके फिर डबल रोड बनाए और ये अच्छी क्वालिटी की रोड बनाना बोल के। हालांकि इसका बजट 1 करोड़ ने तो 1 करोड़ 50 में हो जाता था, मगर 50 लाख रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि अच्छा सा रोड बनाने के लिए। और ऐसा टोटली बिदर में कम से कम 10-10 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट में अलग अलग रोड बनाए हैं। और अभी आपके हैदराबाद रोड शाहीन स्कूल से रोड चालू होकर गुम्पा तक रोड जाएंगी, फिर गुम्पा से मैलूर तक रोड जाएंगी, फिर इस तरह से रिंग रोड्स पूरे फिर से रोड बनेंगे, चाहे ओल्ड सिटी हो चाहे न्यू सिटी हो। टोटल 20 करोड़ रुपीज़ के रोड्स का ऑलरेडी अप्रूवल दे दिए हैं टेंडर, और कुछ 2-3 डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना है। 1-2 महीने में वो भी होके वो भी रोड चालू होंगे। अभी हलतगिरी की रोड चालू होने के बाद 1 वीक के बाद हैदराबाद रोड से आपके गुम्पा तक रोड बनेंगे, गुम्पा से फिर आगे मैलूर तक रोड जाएंगे। इस तरह से बिदर में बहुत से डेवलपमेंट काम किया हूँ मैं, 1000 करोड़ से ज़्यादा किया हूँ, लोगों को पता नहीं है। 4-5 एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ। बड़े बड़े काम जो ब्रिम्स हॉस्पिटल बना है उसको 150 करोड़ रुपीज़ खाली बिल्डिंग को दिया हूँ, उसके अंदर मशीनरीज 25 करोड़ के दिया हूँ। इसी तरह से ओल्ड सिटी में एक हॉस्पिटल 100 बेड का बनाए, वहाँ पे 30-40 करोड़ रुपये बने हैं। रिंग रोड बने हैं, वेजिटेबल मार्केट ओल्ड सिटी में थी उसको ले जाके हैदराबाद रोड पर शिफ्ट किया है, उसको 25 करोड़ रुपीज़ लगे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज में था उसको 40 करोड़ रुपये लगे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज को शिफ्ट करा के मैलू रोड पर ले गए हूँ। ITI कॉलेज में कम से कम 70 करोड़ रुपीज़ का काम कराए हूँ। ITI कॉलेज में आप जाके देख सकते हैं, वहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज 100 करोड़ रुपये तक इंजीनियरिंग कॉलेज। इस तरह से आटो नगर, इस तरह से बहुत से एरिया में UGD का काम, 24/7 का काम बिदर सिटी में काम किए हैं। और उससे ज़्यादा बिदर में सभी लोगों से मिल जुल के, कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडाइज़म नहीं, कोई कास्ट का बात नहीं, सभी समाज के लोगों को अच्छा सा काम करने के लिए कोशिश किया हूँ, और सभी का दिल जीतने का और सभी के दुआ लेने का काम किया हूँ। अभी ये लोकल लोग मिलके सॉल्व करते बोल के बोले हैं, अगर थोड़ा सा हटाए तो रोड अच्छी बनेगी, क्योंकि डबल रोड डाल के है इसमें, डबल रोड डाल के हैं, बड़ी रोड है, डेमोलिश हो गए सर इसमें, कुछ भी नहीं है, थोड़ा है, उन लोग ऑलरेडी रेडी है उन लोगों पे कर लेने के लिए। सर यहाँ पे लाइट भी बन है डिवाइडर पर बहुत सारे जगह, तो वो लाइट का भी काम अभी देख लेता हूँ मैं, अभी आया हूँ तो इंस्पेक्शन करके वो भी काम करा दूँ। पुराने थे 2-3 खंभे नहीं आए इसमें, पानी का प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत हो रहा है लोगों को, तो वो भी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अगर वैसा है तो वो भी करा देंगे। देखिए धनराज जिस वार्ड से काउंसलर थे इससे पहले हमारे 32 वार्ड नंबर 32 थे, जेरूसलम कॉलोनी आती है, चिन्नम्मा होगेरी चंद बसपा नगर ऐसा, उस वार्ड में कम से कम टीपू सुल्तान कॉलोनी, उस वार्ड में कम से कम 8 करोड़ का तो काम मेरे से लिए, टोटल 15 करोड़ का काम हुआ है उस वार्ड में, मेरे से खुद 8 करोड़ रुपये लिए, दूसरे स्कीम में लेके टोटली वो जो वार्ड है ना उसमें एक रोड ड्रेन लाइट कुछ नहीं था, तो टोटल वहाँ पे 8-12 करोड़ रुपए का काम हुआ है उस वार्ड में। और अभी नए वार्ड में आए 33 वार्ड नंबर अभी 30 है हलतकेरी में, जैसा आते कि काम चालू किए हैं, फर्स्ट बड़ा बोनसर मारे हैं 2 करोड़ रुपए का, सब आपकी दुआ है सब, इसलिए आप आशीर्वाद करें बोल के, और सभी लोग इनको चाह के इनको जीता है, तो बहुत हार्ड वर्कर है, इसका मतलब बोलने का एक ही है कि अच्छा हार्ड वर्कर है, अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को आज रामनवमी का शुभकामना देते हुए, आज ये पूजा हो गया, आज राम के साथ रहीम भी आए हमारे साथ, दोनों का मिलके आज पूजा हो गया सो यहाँ पे, और सभी लोगों को हमारे एमएलए साहब को हम जितना हम जाके उठाए सो, अब कोई भी है कि नहीं काउंसलरों में, मैं ऐसा हूँ शायद बेडरूम तक भी जाके साहब जरा उठो जो बोले तो हाँ धनराज क्या बोलो, तो इतना हम प्रेशर में लिए तो भी उन्होंने हमारे को ईजी लेके धनराज तुम टेंशन न कर लो बोल गए, यही 8 महीने में अगर उन्होंने दिया बोलो तो एक ही जबान पे 2 करोड़ रुपये दिए मेरे को, अभी मेरा वार्ड का अभी काउंसलर अभी चालू भी नहीं हुआ तो 2 करोड़ रुपये दिए, अभी तो अभी सोचो आगे अभी 5 साल है तो अभी क्या देंगे कि हम क्या करके क्या करेंगे बोल के, तो एक तो डेमोलिस्ट में डेमो बता दिए साहब हमारे को, अब सभी हमारे एरियों को बहुत खुश है आज, झूठ नहीं बोलूँ हमारा हलतगिरी बहुत खुश है, क्यों बोले तो वे 35 साल से रोड नहीं था, तो आजकल बोल खाली लोग बोल रहे थे कब आ रहे कब जा रहे कब आ रहे कब हो रहे, तो आज पूरा कर दिया आज काम, कल से काम चालू हो जाता है पूरा, यहाँ से लेके पूरा रविशाही पटन तक है 1.5 किलोमीटर है टोटल ये यहाँ से टोटल, और हमारे वार्ड में जितने भी कहाँ भी प्रॉब्लम होगा मैं आधी रात को 24/7 रेडी हूँ, आप लोग आधी रात को आके मेरे को पूछिए मैं उसके साथ रेडी हूँ, धन्यवाद।